नमस्कार स्टूडेंट्स, टुडे आई विल रिवाइज चैप्टर नंबर 6 द फूड वी ईट। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर के अंदर हम सब ने देखा था कि हमारी लाइफ के अंदर फूड है, जो हम खाते हैं वो कितना हमारी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हम वीकनेस, हमारे शरीर के अंदर वीकनेस इतनी आ जाएगी क्योंकि हम अच्छी तरीके से ना तो चल पाएंगे ना तो बोल पाएंगे, और हमारी सारी की सारी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर खाना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स का कन्वर्सेशन ही चल रहा है। टीचर है वो स्टूडेंट को समझाते हैं कि हमें सुबह यानी कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, लंच में क्या खाना चाहिए, डिनर में क्या खाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट हम पूरे दिन के अंदर 3 टाइम मील लेते हैं, यानी कि हम पूरे दिन के अंदर 3 टाइम हमारा जो खाना है वो खाते हैं। फर्स्ट वन ब्रेकफास्ट, देन लंच एंड देन डिनर। ब्रेकफास्ट के अंदर हम सबको लाइट ही खाना खाना चाहिए, ये उसके टीचर है वो स्टूडेंट को समझाते हैं कि ब्रेकफास्ट है वो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, बट सुबह सुबह हमको हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, हमको लाइट ही खाना खाना चाहिए। और लंच के अंदर हम जब स्कूल से घर जाते हैं तब हमको रोटी सब्जी दाल चावल जैसा खाना है वो हैवी मील है हमको लेना चाहिए। और रात के टाइम पे हमको करी है, वेजिटेबल से ऐसी चीज़ है उसका यूज़ करना चाहिए। ओके, अब है कि हम खाना क्यों खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसका आंसर है जब हमको भूख लगती है, व्हेन वी फील हंग्री, जब हमको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारे खाने में तो बहुत टाइप्स के डिशेस होती है, उसमें कोई थिंग है वो हमारी सेहत के लिए हेल्दी है और कोई थिंग है वो अनहेल्दी है। सो स्टूडेंट्स, हमको अनहेल्दी फूड है वो नहीं खाना चाहिए, हमको हेल्दी फूड है वो ही खाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिल्क है वो कंप्लीट फूड है, मिल्क है वो हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और वो मिल्क हमको कहाँ से मिलता है, काऊ से मिलता है। अब मिल्क के बाद अगर हम बात करते हैं हेल्थी फूड की, तो वो सारे के सारे ग्रीन वेजिटेबल्स है। सो स्टूडेंट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स है, कोई कोई वेजिटेबल्स है वो फील्ड में ग्रोन होते हैं और कोई कोई है वो अंडरग्राउंड होते हैं। तो इसमें कितने सारे वेजिटेबल्स है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इसकी वजह से ही हमारी जो बॉडी है उसको हम हेल्दी रख पाते हैं। तो हमको रेगुलर ग्रीन वेजिटेबल का ही यूज़ करना चाहिए। देन है फ्रूट्स से, वो भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितने ग्रीन वेजिटेबल से। सो स्टूडेंट्स, ये हेल्दी थिंग 3 है, मिल्क है, वेजिटेबल्स से और फ्रूट से। ओके, देन है अब बारी है नॉन वेजिटेरियन में किसका यूज़ होता है। मटन है, चिकन है, फिश है, एग है, वो सारी की सारी थिंग है वो नॉन वेजिटेरियंस में आती है। सो स्टूडेंट्स, नॉन वेजिटेरियन यानी कि वेजिटेबल के अलावा जो लोग एनिमल्स का मीट यानी कि उसका यूज़ करते हैं उसको हम नॉन वेजिटेरियन बोलेंगे, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं उसको हम वेजिटेरियन बोलेंगे। फिर यहाँ पे था मिल्क है, वो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और फिर एस नॉन वेजिटेरियन जितनी भी थिंग है वो हमारे मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये दो थिंग्स, दो जो चीज़ है वो खाने से हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जितने भी रोग है उसके अगेंस्ट में हम लड़ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमको एक अच्छे डाइट है उसका फॉलो भी करना चाहिए ताकि हम लोग है वो लाइफ टाइम हेल्दी रहे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। व्हाई डू वी नीड फूड, हमको फूड है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, उसका आंसर है वी नीड फूड टू मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। फूड है वो हमको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। ओके, देन सेकेंड वन, हाउ मेनी टाइम्स डू वी ईट फूड डेली, हम पूरे दिन के अंदर कितने टाइम्स से वो फूड लेते हैं। तो उसका आंसर है वी ईट 3 टाइम्स इन अ डे, हम पूरे दिन के अंदर 3 टाइम्स से वो खाते हैं। देन थर्ड वन,
नेम द फूड दैट नॉन वेजिटेरियन, जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स है उसके नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो उसमें चिकन, फिश और एग, ये सारे के सारे है वो नॉन वेजिटेरियन फूड है। देन फोर्थ वन, नेम द वेजिटेबल्स दैट आर ग्राउंड इन सोइल, जो ग्राउंड इन सोइल में होते हैं वो वेजिटेबल्स के नेम आपको लिखने हैं। तो उसमें ऑनियन है, पोटेटो है, कॉलीफ्लावर है, ये थ्री वेजिटेबल्स है वो ग्राउंड इन सोइल में ही पकते हैं। देन ए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इस चीज़ प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट, वाई चीज़ है वो प्लांट है प्रोडक्ट है या एनिमल प्रोडक्ट है, वाई है तो वो क्यों है। तो स्टूडेंट्स उसका आंसर हम ये है कि चीज़ है वो एनिमल ही प्रोडक्ट है, क्योंकि वो किससे बनता है, मिल्क से बनता है, और हमको मिल्क कहाँ से मिलता है, काउ से और गोट से मिलता है। ओके सो उसका आंसर है चीज़ इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट, इट इज़ मेड फ्रॉम मिल्क एंड वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस एंड गोट। क्वेश्चन नंबर टू, रानी हैज अ फ्रेंड वो ऑलवेज इज चिप्स एंड बर्गर फॉर लंच, वॉट एडवाइस विल यू गिव रानीज़ फ्रेंड्स, वॉट विल यू एडवाइस हर टू ईट इंस्टेड। रानी है उसकी जो फ्रेंड है वो ऑलवेज लंच के अंदर चिप्स और बर्गर खाती है, तो आप उसको हेल्दी रखने के लिए, रहने के लिए कौन सी एडवाइस देना चाहोगे। सो उसका आंसर है आई वुड लाइक टू टेल हर टू ईट फ्रेश एंड होम कुकड फूड टू स्टे हेल्दी। उसमें आंसर क्या है कि मैं रानी की फ्रेंड को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि वो घर पे बनाया हुआ खाना ही खाए ताकि वो हेल्दी रह पाए। ओके देन थर्ड वन, व्हाट फूड आइटम्स टू एनिमल्स गिव अस, कौन सी फूड आइटम्स है वो एनिमल्स हमको देते हैं। तो उसका आंसर है वी गेट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर चीज़, कर्ड, एग्स, मीट फ्रॉम एनिमल्स। हम एनिमल्स से वो हमको कौन सी मिल्क प्रोडक्ट देते हैं, सबसे पहले तो वो हमको मिल्क देते हैं, देन मिल्क से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स है उसमें कौन सी चीज़ का समावेश होता है, सो वो है बटर, चीज़, कर्ड, एग्स एंड मीट। ओके सो एनिमल्स से ये सारी की सारी फूड आइटम है ये हमको प्रोवाइड करते हैं। ओके क्योंकि ये सारी की सारी थिंग है वो मिल्क से बनी हुई है। ओके स्टूडेंट्स सो आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन वन टाइम एंड आंसर टू टाइम आपको लिखना है, वो एक्स्ट्रा बुक में लिखना है, फाइव नंबर में नहीं लिखना है। ओके थैंक यू।